आज दिनांक 6 जून 2024 को सरस्वती विद्या मंदिर आर्यनगर के सभागार में बच्चों द्वारा हनुमान चालीसा की प्रस्तुति की गई। उसके बाद बालस्वर संस्था द्वारा आयोजित समर कैंप के मुख्य अतिथि भजन सम्राट श्री नंदू मिश्रा जी ने कहा, बालस्वर संस्था की सोच है कि भारतवर्ष के जितने भी बच्चे हैं वो संस्कार से परिपूर्ण हों, वो अपने माता पिता गुरु की सेवा करके राष्ट्र की सेवा करें। बालस्वर के समर कैंप में बच्चे जो भी विधाएं सीख रहे हैं वो बालस्वर संस्था की सोच है। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के बीच माँ भगवती के उपासक भगवती जागरण करने वाले पूज्य नंदू मिश्रा जी हम लोगों के बीच में हैं, जो संस्कृति के उपासक हैं। स्वर्ण और विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती के श्री चरणों में कोट कोट वंदन कोट कोट नमन। तत्पश्चात अपने परम पूज्य माता एवं पिता के श्री चरणों में कोट कोट वंदन कोट कोट नमन। अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोट कोट वंदन कोट कोट नमन। इस प्रांगण की जिस प्रांगण की मिट्टी को नंदू स्वयं अपने मस्तक पे लगाते हैं, ये सरस्वती विद्या मंदिर है, यहाँ की मिट्टी भी इतनी ऊर्जावान है। मेरा ये दावा है, मेरा ये विश्वास है कि जो भी ये बाल स्वर का जो समर कैंप लगता है, आपको यहाँ पे अच्छी शिक्षा मिल रही है, ये बिल्कुल अच्छी बात है। परंतु इस भूमि की ऊर्जा जो मिल रही है आपको, वही आपको आगे बढ़ाएगी, ये मुझे विश्वास है। आप इस समर कैंप के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं इस संस्थान के बारे में बेटा ये कहना चाहता हूँ, पहली बात तो पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। इतनी छोटी उम्र में पत्रकारिता कर रही हैं आप, मैं तो आपके सामने बहुत छोटा हो गया हूँ। इस संस्थान के बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये संस्थान जब राजेश श्रीवास्तव जी ने इसका बीज डाला था 28 वर्ष पहले, बाल स्वर जिसका नाम ही बाल स्वर, मतलब बच्चों की स्वर आवाज, बच्चों की आवाज है ये, तो बच्चों की आवाज़ को पूरे राष्ट्र में नहीं पूरे विश्व में फैलाने के लिए, उनको वो जो जागृति पैदा करने के लिए संस्थान का उद्गम हुआ और उसको राजेश श्रीवास्तव जी ने एक बीज डाला, आज वट वृक्ष बन गया है बहुत बड़ा। इस संस्थान का ये सपना है कि भारतवर्ष के जितने भी बच्चे हैं वो संस्कार से परिपूर्ण हों, वो अपने माता पिता अपने गुरु की सेवा करके अपने राष्ट्र की सेवा करें। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकता, वो राष्ट्र की भी सेवा क्या मोहल्ले की सेवा भी नहीं कर सकता है, वो सिर्फ दिखावा करता है। तो बाल स्वर सेवा संस्थान के बारे में तो मेरा रोम रोम आशीर्वाद देता कि ये संस्थान इसी प्रकार से अनवरत आगे बढ़ता रहे और बच्चों के लिए अच्छे 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 विधाओं से कार्य करता रहे। ये सारे विधाएं जितनी सीख रहे हैं लोग इस समर कैंप में, वो बाल स्वर की सोच है और सब उन्नति करें, ये मेरा आशीर्वाद है।